इससे यही प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वज काफ़ी ज्ञानी थे। आज का आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के होते हुए भी इस पिनहोल टेक्नोलॉजी को ठीक से समझा नहीं गया है। हेलो दोस्तों, हम लोग आए हैं विरूपाक्ष टेम्पल। ये एकमात्र मंदिर यहाँ पे ऐसा है, बड़ा मंदिर है जो पुराना, काफ़ी पुराना है और यहाँ पे पूजा हुई होती है। ये मंदिर खंडित नहीं है, यहाँ पे पूजा की जाती है रोज़। और जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा होगा, मंदिर में पूजा चल रही है। थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं सारा मंदिर। इस मंदिर में आप जैसे ही एंटर करोगे, आप दो चीज़ें बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। पहला है त्रिकाल ज्ञाननंदी, जो कि इंडिया का एकमात्र थ्री हेडेड बुल स्टैचू है, या थ्री हेडेड नंदी का स्टैचू है। ये स्टैचू भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को दर्शाता है। काफ़ी लोग इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप भी मानते हैं। और आप अपने राइट साइड में देखोगे तो आपको एक एम्ब्लेम दिखेगा जिसे कहते हैं वरह। ये एक सूर्य, चंद्र और तलवार के साथ पूरा होता है। यह एक मुद्रा यानी कि करेंसी हुआ करती थी विजयनगर डायनास्टी के टाइम पे। यह एक वाइल्ड बोर है और आपको अभी भी काफ़ी बोर्स दिख जाएंगे विजयनगर में। विरूपाक्ष मंदिर के सामने है, ये विरूपाक्ष मंदिर है। मंदिर के बाजू में 10,000 साल पहले जी सर वामनर राजधानी था, इसी का एरिया को 10,000 साल पहले इस एरिया का नाम है किष्किंधा प्रांत। सीता को ढूंढते राम जी यहाँ पर आता है, सीता का सुग्रीव मिलन यहाँ पर होता है राम को। सुग्रीव वाली, यहाँ वाली सुग्रीव, हनुमान, अंगदा, धुंधुरी, मायावी, जाम्बवन सब यार मिलन होने के बाद। ये 1336 में विजयनगर साम्राज्य स्थापन हो गया। हरिहरा बुक का, हरिहरा बुक का ये फाउंडर था। ये लोग जो बारिश बिना यहाँ बुक, ये विजयनगर आर्किटेक्चर, वो पीछे वाला 14th सेंचुरी का द्रविड़ियन आर्किटेक्चर। हाँ, ये विजयनगर आर्किटेक्चर, विजयनगर आया गोपुरम बोल के, गोपुरम मीन्स स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली विजयनगर आर्किटेक्चर में बनाया। और ये सामने दिख रहा है, देखिए लोहा से बनाया दीप स्तंभ है जी। ये सामने दिख रहा है ना, आत्मलिंग है, मीन्स मन में जो भी इच्छी पूरी होते तो हाथ जुड़ाते थे। ये नैवेद्य पीठ है जी सर। तो सामने दिख रहा है ना ये गोपुरम, नहीं ये स्तंभ, जगह शिव मंदिर में गरुड़ स्तंभ होता है, विष्णु मंदिर में गरुड़ स्तंभ होता है और ध्वज स्तंभ होता है। और ये त्रिकाल नंदी, थ्री हेड नंदी का शेप अंदर से जी, वो टूटने से बाहर रखा है सर, ये नाम है। विरूपाक्ष मंदिर में एक सीक्रेट चेंबर है, और जब हम इस चेंबर में गए तो हम आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इस चेंबर में गोपुरम की परछाई इन्वर्टेड यानी उल्टी दिख रही थी। इससे यही प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वज काफ़ी ज्ञानी थे। आज का आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के होते हुए भी इस पिनहोल टेक्नोलॉजी को ठीक से समझा नहीं गया है। और ऐसे ही अनेक राज आज भी छुपे हैं हमारे पुराने मंदिरों में, जिसे विज्ञान अभी भी नहीं समझा पाता है। इस मंदिर की मुख्य छत पे आप देखोगे तो आपको कई सारी पेंटिंग्स दिखेगी जो कि कई महाकाव्यों को दर्शाती है। ये पेंटिंग्स लगभग 500 साल पुरानी हैं और ये सारी पेंटिंग्स ऑर्गेनिक कलर्स से बनाई हैं, लेकिन समय के साथ ये पेंटिंग्स डल होती जा रही है। इस मंदिर से निकलते निकलते हम साक्षात गणेश भगवान के स्वरूप से मिलने गए, जो कि है लक्ष्मी।
और अगर आप इसे 10 रुपये का नोट देते हैं तो वो आशीर्वाद देती है। हमने भी लक्ष्मी से आशीर्वाद लिया और हम निकल पड़े विरूपाक्ष मंदिर से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।